Good morning, class. Today we will study about the last topic of pathology of female reproductive system, that is ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy क्या होता है भाई? Abnormal location की pregnancy को आप ectopic pregnancy कहते हैं. अब abnormal location का क्या मतलब है? जिसमें जो zygote है, fertilized zygote, वो uterus के अलावा कहीं पर भी implant हो जाता है. यानी जायगॉट की लोकेशन एबनॉर्मल हो जाती है, उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. कहीं पर भी, मतलब ओवरी, ओविडक्ट, सर्विक्स या एब्डोमिनल कैविटी, कहीं पर भी. तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है भाई? कंसेप्टस का इम्प्लांटेशन नॉर्मल यूट्राइन कैविटी से बाहर कहीं भी हो जाता है. नॉर्मल यूट्राइन कैविटी से बाहर कंसेप्टस का इम्प्लांटेशन होता है, उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. ये देखिए, ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ यूट्रस में, ये फेलोपियन ट्यूब, ये एम्प्यूला पार्ट है, ये एस्थमस है, ये एंडोमेट्रियल है, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये सर्विक्स. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो रही है इसके अंदर. नॉर्मल साइट क्या होती है भाई इम्प्लांटेशन की? ऑब्वियस है, यूट्रस होती है. इम्प्लांटेड एम्ब्रियो देखो दिखाया गया है यहाँ पर, ओवरी से निकला, ओवम फेलोपियन ट्यूब में गया, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हो गया. कॉमन साइट क्या है? एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांटेशन और कहाँ कहाँ पे होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में 95% केसेस में फेलोपियन ट्यूब में ही देखने को मिलता है, जिसमें से 74% उसके एम्प्यूला में ही हो जाता है इम्प्लांट, 12% में उसके इस्थमस में, 12% में फिम्बरी एंड पर हो जाता है, और 2% इंटरस्टिशियम में देखने को मिलता है. 3% केसेस में ओवरी में भी इम्प्लांटेशन होता है, ओनली 1% में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इम्प्लांटेशन होता है. अब हेटरोटॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है भाई? प्रेगनेंसी का साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो रहा है यूटराइन कैविटी के अंदर भी और बाहर भी, वो हेटरोटॉपिक होती है. यूटराइन कैविटी के अंदर और बाहर साइमल्टेनियस एक साथ प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट हो रहा है. इसका रिस्क ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है IVF ट्रीटमेंट जो लोग लेकर के प्रेगनेंसी करवाते हैं. अब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं भाई? तो कोई ट्यूबल डिजीज़ हुई हो किसी पर्सन को, पहले से कोई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई हो, ट्यूबल सर्जरी किसी ने करवाई हो, सब फर्टिलिटी या इंट्रायूटराइन डिवाइस का जो लोग यूज़ करते हैं. ट्यूबल डिजीज़ में क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन जो है वो PID कॉज करता है. ये 40% एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और पहले से किसी को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई तो सेकेंड में भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के. ट्यूबल फेलोपियन ट्यूब की कोई सर्जरी करवाई हो, सब फर्टिलिटी या इंट्रायूटराइन डिवाइस का जो लोग यूज़ करते हैं उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं. अब क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिखाई देंगे भाई इस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के? तो पर्सन को सब एक्यूट एब्डोमिनल पेन रहने लगता है, और अर्ली प्रेगनेंसी में वेजिनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, जो नहीं होती भाई. ब्लीडिंग थोड़ी होती प्रेगनेंसी के दौरान, फिर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही होती है. पेन जो हो रहा होता है, एब्डोमिनल पेन थर्ड इसका पॉइंट है. ये एब्डोमिनल पेन जो है वो पहले लोकलाइज्ड होता है और फिर हो सकता है वो इलियक फोसा में चला जाए. कई बार ये पेन जो है वो शोल्डर पेन के रूप में टिप पर दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि फ्री ब्लड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, वो डायफ्रामेटिक इरिटेशन करता है और डिजीनेस के सिम्टम भी देने लग जाता है. अब प्री वेजिनल ब्लीडिंग के अंदर डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही होती है, जो कि ओल्ड ब्लड को इंडिकेट करती है. पता चलता है कि पुराना ब्लड है जो कि बह करके बाहर निकल रहा है. अब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो जाए तो क्या होगा? तो मैसिव इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे कि पर्सन हाइपोवोलेमिक शॉक में, शॉक क्या होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, कंडीशन कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स. और हाइपोवोलेमिक का मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाने से टिश्यूज तक ऑक्सीजन, ब्लड कम पहुंचता है, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन होती है. इसके अलावा एक्यूट एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है. इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं भाई? ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, लेबोरेटरी में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है. HCG का अमाउंट देख सकते हैं आप, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा करके देख सकते हैं. ऑब्जर्वेशन में BP चेक करिए, पर्सन का पल्स और टेम्परेचर ऑब्जर्व करिए. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन एग्जामिन करिए, ब्लड ग्रुप और बीटा HCG टेस्ट देखिए. HCG का लेवल 85% प्रेगनेंसीज में HCG जो है वो डबल अमाउंट में दिखाई देगा हर 48 घंटे के बाद. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में ये लेवल जो है सब ऑप्टिमल हो जाता है. नॉर्मल में तो दिखता है 48 घंटे में डबल, यहाँ पर सब ऑप्टिमल हो गया, डबल नहीं है.
ट्रांस वेजनल अल्ट्रासाउंड स्कैन TVS में, TVS करवा करके देख सकते हो। इस वक्त SCG लेवल 1500 ml यूनिट पर ml दिखाई देगा। फिफ्थ गैस्ट्रेशन और फिटल हार्ट बीट जो है वो डिटेक्ट हो सकते हैं TVS से, जिसमें SCG का लेवल जो है वो 3000 ml दिखाई देगा। मैनेजमेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन BSCG अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग और पेशेंट्स की चॉइस के बेसिस पर मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट से तो मुझे कोई कंसर्न है नहीं। बस इसके साथ ही अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।